चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आपके पास तीन रैशनल नंबर्स हैं ए बी और सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम यहाँ पर पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, ए बी। यहाँ पर भी आप फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, ए इंटू सी ए सी। वैसे ही एक और होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस ए बी। यहाँ पर ए और सी का साइन क्या है, यहाँ पे ए का साइन पॉजिटिव है, सी का साइन नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा, माइनस, ए इंटू सी इज ए सी। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी माइनस ए सी। चलिए अब हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम इस क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पर एडिशन का साइन है, इसका मतलब आप क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो उसमें क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन पुट करते हैं, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो ठीक इसके बराबर होना चाहिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, माइनस थ्री बाय फोर। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। थ्री और सिक्स का एलसीएम क्या है, सिक्स, तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, फोर बाई सिक्स प्लस माइनस फाइव बाय सिक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हुआ माइनस थ्री बाई फोर इंटू प्लस फोर माइनस फाइव, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस वन। डिनोमिनेटर में क्या है, सिक्स, ये आप थ्री और सिक्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, टू। तो माइनस इंटू माइनस मिला प्लस, वन इंटू वन वन, डिनोमिनेटर में फोर इंटू टू एट। चलिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा माइनस थ्री बाई फोर इंटू टू बाई थ्री, फिर इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस माइनस थ्री बाई फोर इंटू माइनस फाइव बाय सिक्स। तो आप यहाँ पे टू और फोर को कैंसिल कर सकते हैं, थ्री और थ्री को भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे थ्री और सिक्स को कैंसिल करेंगे तो यहाँ टू मिलेगा। तो न्यूमरेटर में क्या हुआ हमारा, माइनस वन इंटू वन, तो हमें मिला माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या है, टू इंटू वन मिला टू, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस फाइव, तो क्या मिलेगा, प्लस फाइव, फोर इंटू टू एट। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा और टू और एट का एलसीएम क्या है, एट, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिला, माइनस फोर बाई एट, और ये क्या है हमारा, फाइव बाई एट, तो ये है माइनस फोर प्लस फाइव, तो क्या मिला, वन, डिनोमिनेटर में एट। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर भी आपको वन बाई एट मिला और राइट लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपका वन बाई एट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन थ्री एंड एट, तो आप बोलेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन। तो कितने नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन थ्री एंड एट, फोर नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन थ्री एंड एट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने इंटीजर्स हैं बिटवीन माइनस वन एंड माइनस फाइव, तो आप बोलेंगे माइनस टू
-3 -4, तो कितने इंटीजर्स हैं बिटवीन -1 एंड -5? 3 इंटीजर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने इंटीजर्स हैं बिटवीन -15 एंड -16, तो आप जानते ही हैं कि -15 और -16 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, मतलब जीरो इंटीजर्स हैं। तो अगर आपको दो नेचुरल नंबर्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं उन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। वैसे ही अगर आपको दो इंटीजर्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि कितने इंटीजर्स हैं उन दो इंटीजर्स के बीच में, तो यहाँ पर भी आप काउंट करके बता सकते हैं, मतलब कि जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। लेकिन रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, चलिए हम इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक रैशनल नंबर है 0 और दूसरा रैशनल नंबर है 10। ये क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। और ये 10 क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हम 10 को लिख सकते हैं 10/1। ये हम 0 को भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी हमने 10 को p/q फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, 10 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। चलिए अब हम लिख लेते हैं कि कितने रैशनल नंबर्स आपको मिलेंगे बिटवीन 0 एंड 10। तो अभी तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 9 रैशनल नंबर्स। चलिए हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी आपको 0 और 10 के बीच में 9 रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0/10। और जब आप यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100/10। तो अब कितने रैशनल नंबर मिलेंगे आपको 0 और 10 के बीच में, चलिए हम लिख लेते हैं। तो 0/10 से बड़ा होगा 1/10, फिर क्या होगा 2/10, फिर क्या होगा 3/10। इस तरह से हमें 99/10 तक रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं बिटवीन 0 एंड 10, 99 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 9 ही रैशनल नंबर थे। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, 0/100। और जब आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 1000/100। तो ये है आपका 10 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और ये आपका 0 का है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो अब कितने रैशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं बिटवीन 0 और 10, चलिए हम लिख लेते हैं। तो जो इससे बड़ा नंबर एक होगा वो होगा 1/100, फिर क्या होगा 2/100, फिर क्या होगा 3/100। इस तरह से हम लिख सकते हैं कहाँ तक, 999 तक upon 100। तो यहाँ पे आपको कितने रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं बिटवीन 0 एंड 10, 999। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप 0 और 10 को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये जो आपको रैशनल नंबर्स मिल रहा है बिटवीन 0 एंड 10 वो बढ़ता ही जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। हम इस कॉन्सेप्ट को कि कितने रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, इसको हम मीन कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट मैंने क्लास 9 के नंबर सिस्टम्स चैप्टर में समझाया हुआ है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर भी आप पाएंगे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं।